देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। जानकारी देते हुए अमृत जैन ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, जैसे गांव-गांव पहुंच मार्ग, नदी को नदी से जोड़ा योजना, किसान हितेशी सरकार आदि योजना बनाई थी, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार किया है। वहीं वार्ड पार्षद बालाराम मीणा ने बताया कि क्षेत्र में सुशासन के रूप में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर एवं श्री अटल जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर मनाया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। पुरुष माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमने प्रत्येक बूथ में जाकर स्वच्छता अभियान चलाकर सुशासन दिवस मनाया है और सच्ची उन्हें हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपका नाम बताओ। गणेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पीथमपुर। जो आयोजन किया गया, क्या अटल जी की अपने जीवन में और पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण रहा है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। अटल जी की नदी जोड़ो यात्रा, अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण पूरा देश आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और अटल जी ने हमेशा अंत्योदय का, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसका उदय करने का संकल्प लिया था। उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी उसको निभा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और अटल जी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। देवा अमृत जैन। सुशासन दिवस मनाया आपने, आज पूरा देश हर्ष और उल्लास से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस मना रहा है। और ऐसे पितृपुरुष थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आज देश और विदेश भी एक अच्छे नेतृत्व और नेता के तौर पे याद किया जाता है, जिन्होंने गरीबों के लिए और खासकर भारतीय गरीब किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो जाल बिछाया था, आज हर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता और वो रोड के तो माध्यम से सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार नदी जोड़ो जो अभियान चलाया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज सूखा क्षेत्र जो थे हमारे गुजरात, राजस्थान, निमाड़ क्षेत्र, ऐसे देश में कई ऐसे स्थान है जहाँ पर आज कृषि का बहुत अच्छे से उत्पादन हो रहा है, क्योंकि पानी पहुँचा है सभी के लिए। आपका नाम बताइए। पार्षद बालाराम मीणा, वार्ड नंबर 11 पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।